हाय एवरीवन, कैसा रहा आज का मार्केट? सेकेंड। ठीक है, सो इसको देखते हैं। ओके, आज का मार्केट इंटरेस्टिंग था। कल वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो एक बार देख लेते क्या लेवल्स रहेंगे, कैसे आप इसको बेस्ट ट्रेड कर पाओगे। ये आप अपने लिए कल का प्लान बना सकते हो। कुछ ऑप्शंस भी देखेंगे, अगर जैसे ऑप्शंस किसी ने स्टार्ट किया है, सो उन लोगों के लिए बेसिकली हम लोग कुछ कुछ चीजें देखेंगे जिससे वो बेटर ऑप्शन को ट्रेड कर पाए, कौन सा ऑप्शन बढ़िया रहेगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना। देखिए आज क्या हुआ, आज बेसिकली एक सेकेंड कुछ आ रखा है क्या। हाय हाय आदित्य, सॉरी यार, मतलब बेसिकली थोड़ा शेड्यूल टेक्निकल एरर्स की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। देखते हैं आप, देखते हैं। सो आज क्या हुआ, आज मार्केट काफी गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद इसने स्लो एंड स्टेडिली सबसे पहले तो अपना गैप कवर करा। अगर देखोगे, देखो मार्केट को देखते कैसे, ये वाली चीज भी समझते हैं। देखो अगर मैं मार्केट को थोड़ा यहाँ पे छिपा लूं, ठीक है, तो आप ये देखने की कोशिश करो, यहाँ पे मार्केट के पास एक ये लेवल था जहां पे मार्केट ने कल क्लोज दिया था, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि हमारे को चीजें समझ में आए कि मार्केट दिखेगा कैसे। तो हमारे पास सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी समझाया है, जिसको कहते हैं प्रीवियस डे लो क्लोज हाई और ओपन। ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं पीडीएल, पीडीसी, पीडीएच और पीडीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। अगर इन कॉन्सेप्ट्स पे देखा जाए तो कल हमारा जो क्लोज था 47,422, ये बेसिकली एक बहुत सिंसियर लेवल बन जाता है कि यार मार्केट जब जब यहां पे आएगा, अब क्योंकि गैप डाउन खुल गया है तो इसके बाद नीचे टूटेगा। मार्केट ने अटेम्प्ट करा ऊपर जाने का, देखो बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट करा ये लेवल और मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तभी मैंने मार्केट थोड़ा सा छिपा रखा है आपको, आई होप सब लोगों को दिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूं। अब मैं धीरे धीरे मार्केट को बढ़ाने का ट्राई करता हूं। ये पूरा ही बढ़ गया, देखो ये वाली लेवल ध्यान रखना 47,422 कितना बज रहा है, 10:45 पे नहीं ब्रेक करा, 10:11 इसने अटेम्प्ट करा मार्केट ने टच करने का, इसको टच करा बट ब्रेक नहीं कर पाया और देखो फिर नीचे आ गया एक बार, फिर धीरे धीरे यही घूमता रहा। 12 बजे, 1 घंटे बाद फिर टच करा मार्केट में, फिर यही घूमता रहा और फाइनली जब 12:30 पे ये ब्रेक करके निकला, तब फिर जो है देखो एक बार में जब इसने यहां से निकला, पीडीसी हमारा जो रेंज था, जैसे ही निकला एक बार में शूटअप दिया 300 कैंडल का पॉइंट, 300 पॉइंट का कैंडल है ये। एक सेकेंड, कहाँ पे दिक्कत है, नेटवर्क में दिक्कत है या फिर मोबाइल में ही दिक्कत लग रही है मुझे। देखो यहां से एकदम निकला और जैसे ही निकला इसने प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक कर दिया जो लेवल्स थे, और सारी चीज को ब्रेक करते हुए ये ऊपर की तरफ गया, और फिर यहां से फिर धीरे धीरे, फिर तो ये जो है मार्केट का नॉर्मल नेचर था कि अपना कंसोलिडेट करा 300 पॉइंट का बिग कैंडल, लेकिन 300 पॉइंट नीचे नहीं आया तो वॉलिटिलिटी नहीं थी। मार्केट ने ये इंडिकेशन दिया ये ऊपर जाने के मूड में है। कल भी, अब मैं अपना ये वाला लेवल हटा देता हूँ, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रीवियस डे क्लोज वाला, ये वाले लेवल खत्म हो गए। अब हमारे लिए कल के लिए जो लेवल्स बने हैं वो बने हैं, एक तो आज का जो लो पॉइंट है उसके अराउंड का लेवल हो जाएगा, एक जो है बेसिकली जब हमारे पास जो कल का एक बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट था जो कि ये वाला लेवल है 47,250 का लेवल मान सकते हो, 200 का लेवल मान सकते हो इसको। 47,200 का लेवल एक बहुत प्रोमिनेंट लेवल है, अगर बहुत नीचे जाता भी है तो यहाँ पे एक बार रेस्ट लेके ही फिर फॉल करेगा, भले ही 5 मिनट के कैंडल पे रेस्ट ले, लेकिन कल ये रेस्ट लेके ही इस लेवल से तो फॉल करेगा अगर मार्केट का मूड नीचे जाने का बनता है तो, ठीक है। वो अभी देखेंगे कि कहाँ का मूड बन सकता है। दूसरा लेवल जो ऊपर का लेवल हो गया, ये बड़े दिनों से जो वेट कर रहा है 47,998, जो कि लेवल हो गया आपका लगभग 48,000 का, ये लेवल इसको हो गया भाई, इसको अच्छा खासा टाइम हो गया है इस लेवल को, ये लेवल बेसिकली वेट कर रहा है टेकआउट होने का, लेकिन ये लेवल टेकआउट नहीं हो पा रहा है, बड़े दिनों से ट्राई कर रहा है और मार्केट अब इसी की ओर चल रहा है।
अगला बार जो ऐसा फॉल देखने को मिलेगा ना, वो इस लेवल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे लेवल टेस्टेड हैं, तो हमारी पोजीशंस उसी हिसाब से बनेंगी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो बीच के लेवल है, मैंने क्या सिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो, एक लेसन हम लोगों ने देख रखा है, मार्केट एक्सपायरी के दिन पर बीच में ही किन्हीं लेवल्स पे अपना आके क्लोजिंग देना चाहता है। तो लोगों ने, अब क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो बहुत दमदार क्लोजिंग नहीं होगी, जैसे हमने मंथली एक्सपायरी पे देखी थी, मार्केट बहुत तेज ऊपर नीचे वॉलेटाइल करके उसी एग्जैक्ट लेवल पे बंद हुआ था जो हम लोगों ने एक दिन पहले डिस्कस करे थे। ये वीकली एक्सपायरी है, इस पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है, लेकिन ये भी एक लेवल के बीच में बंद होने का ट्राई करेगा। अब देखते हैं, अब डिसाइड करते हैं कि कल के लिए मार्केट कैसे ट्रेड किया जा सकता है, और सारे के सारे ऑप्शंस भी देखेंगे आज की डेट में, अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करना चाहो। कल मार्केट इसी लेवल पे खुलता है, क्या है, 47582, यानी कि इसको एक अच्छा जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 47500 का मिलेगा। तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा, अगर मैं होता हूं, मैं सबसे पहले 47500 को टच करने का वेट करूंगा, और यहां पे टच करके जब ये रिवर्सल आता है, अब एक बार खोल लेते हैं ऑप्शंस का चार्ट, इसको डबल कर लेते हैं सबसे पहले तो, है ना, और यहां पे खोल लेते हैं दूसरे पे ऑप्शंस का चार्ट। नीचे टच करके ऊपर जाने पर ट्रेड लूंगा, तो कौन सी ट्रेड लेंगे आप चार्ट में बता सकते हो, सी साइड का ट्रेड लेंगे या पी साइड का ट्रेड लेंगे, बताओ। हम सीई साइड का ट्रेड लेंगे, तो सी होता है यहाँ पे कॉल्स हो गए, हम 200 रुपए का कॉल देख लेंगे। मैं अभी आज के हिसाब से देख रहा हूँ, कल आप चार्ट खोलेंगे तो इस हिसाब से आपको देखना है कि 200 रुपए का कॉल कौन सा चल रहा है। तो हमारे को 47700 का 170 रुपए का चल रहा है, मैं इसका चार्ट खोल लूंगा। ठीक है, भले ये 47700 तो बहुत दूर है, हमारी स्ट्राइक प्राइस 47500 चल रही है, तो हम 47700 क्यों लेंगे। देखो यार, अगर बेसिकली आप लोगों को ऑप्शन ग्रीक्स आता है, तब तो ये सारी चीजें सोचो कि यार ये यहाँ पे है, वो डेल्टा उसका ये हो गया, वो हो गया तब। लेकिन अगर आपको इतना सब कुछ नहीं मगजमारी करना है, 200 रुपए के करीब का जो प्रीमियम आपको दिख रहा है, आप 200 रुपए का प्रीमियम बेसिकली यहाँ पे ले सकते हो, बैंक निफ्टी में 200 रुपए का, निफ्टी के अंदर 100 रुपए का, बहुत सीधा सीधा फंडा है, इसमें सारे के सारे ऑप्शन ग्रीक्स अपने आप आ जाते हैं। प्राइस, वो बोलते हैं ना, भाव भगवान छे, प्राइस इज गॉड, प्राइस इज किंग, भाई प्राइस सब कुछ डिसाइड करेगा। अब देखो, ये देखो इस वाले चार्ट में मेरे को जो एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, कंसोलिडेशन मतलब जहां पे रुक रहा है बार बार मार्केट, वो ये है 252। ठीक है, और नीचे कहां तक रुक रहा है, नीचे वाला भी एक जोन ले लो, नीचे वाला जोन एक है यहां पे। तो बेसिकली मैं जो है, अगर मैं अगर प्लान कर रहा हूं कल का, टच करके यहां पे नीचे टच करके ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा, 170 का है, मैं इसको 124 तक गिरने दूंगा, और अगर ये बाई चांस यहां तक गिर गया, कहां तक गिर गया भाई देख लेते हैं, यहां तक गिर गया 71, ये मेरा मतलब बहुत प्यारा एंट्री पॉइंट बन सकता है कि ये 70 71 तक गिरा, और 71 के बाद से ये वापस से ऊपर जाने लगा है, तो मेरा पहला टारगेट 124 हो जाएगा, दूसरा टारगेट लगभग लगभग ये 200 पॉइंट पे हो जाएगा, 200 राउंड ऑफ मत करना यार, 195 ले लेना, राउंड ऑफ वाले लेवल पे मुश्किल से आता है। और अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करने लगा कि नहीं धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो मैं निकाल दूंगा। लेकिन अगर इस कैंडल की तरह तेज शूट अप मारा, ये देख रहे हो आज की ही कैंडल है, मैं कोई ऐसा वो नहीं ले रहा हूं, आज की कैंडल है, इसी पॉइंट से 70-75 वाले पॉइंट से सीधा शूट अप करिए 250 पॉइंट तक, अगर इतनी तेज में जा रहा है तो मेरा 250 पॉइंट का टारगेट आया, मैं निकाल दूंगा। अगर बहुत धीरे धीरे जा रहा है तो मैं 200 पे रुकूंगा एक बार, और 200 पे रुकने के बाद ये देखूंगा मार्केट का बिहेवियर क्या है, अगर थोड़ा रुक रुक के जा रहा है तो मैं निकाल दूंगा, अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। नहीं दिख रहा है 200 पे तो मैं 250 तक, इसका स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना है, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा लगभग 40 पॉइंट का, 40 रुपए का। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया, अगर 70 पे मैं 75 पे भी खरीद पाया, 35 रुपीज का मेरा रिस्क है, 35 रुपीज का रिस्क का मतलब क्या हो गया, 15 का एक लॉट होता है, जरा कैलकुलेट करो यार, 15 × 35, मुझे देखना पड़ेगा यार, 35 × 15, 525, 525 रुपए का स्टॉप लॉस है। ठीक है, 525 रुपए का मेरे पास रिस्क रहेगा, और पोटेंशियल अपसाइड कितना रहेगा, 71 से 125 गया, 50 पॉइंट का, तो यही हो गया 75 से 125, 50 पॉइंट, तो 50 × 15, 15 × 5, 750 रुपए का प्रॉफिट ये। और अगर ऊपर चलता चला गया, 200 तक हमारा टच हो गया, तो आप समझ लो 70 से लेकर 75 से लेकर 200, 125 पॉइंट होता है, तो 125 पॉइंट में हमारे पास लगभग मिल गया, 125 × 15 आप करके देख लो,
जो बनता है 125 पॉइंट इंटू 15, ठीक है, लेके नहीं बैठना। और अगर मार्केट और ऊपर निकल गया तो और ऊपर से, लेकिन एंट्री इसी जोन में होगी 70 से 75 के बीच में, इससे ऊपर में एंट्री बने बन रही नहीं है। ये चीज समझ में आई? इसी समय मार्केट यहाँ पे 500 तक जाएगा और 500 से पुश मारेगा, दोनों चार्ट आप सिंक होते हुए देखोगे उस समय। ओके, ये कैलकुलेशंस थी, इसको आप देख सकते हो। अब चलते हैं पीई साइड पे, अगर मार्केट गिरना शुरू होता है तो कैसे फिर आप डील करोगे। एक तो हो गया, हमने ये देख लिया कि यहीं पे खुलता है तो यहाँ पे आया, अब गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है तो इसके पास ये पूरा गैप है। अब देखते हैं पीई को भी, देखते हैं यार कोई 200 रुपए का पीई हमारे को मिल जाए, देखते हैं। ऑप्शन चेन खोल ली, ऑप्शन चेन में, अरे इसको हटाओ यार, ऑप्शन चेन। अगर मार्केट गिरता रहा, ये पीई साइड है, 200 रुपए का कोई पी देखो, आज की डेट पे 47,700 का ही पी 200 रुपए का मिल रहा है, तो देखते हैं 47,700 का पी। अब देखो ये तो जो है बर्बाद सा एकदम नीचे ही जा रखा है, अगर मार्केट ऊपर चलता चला जाता है तो ये और नीचे चलता चला जाएगा। पी कैसे ट्रेड करना है? पी हमारे पास बनेगा यहाँ पे लगभग इस वाला, ये जो बड़ा रेड कैंडल है ना, इसको क्रॉस करे, वरना ये बहुत दिक्कत देगा। 361 को अगर ये क्रॉस करे, ये कितना है, 361 है, नहीं यार ये वाला मत लेना प्लीज, 361 का नहीं, बहुत महंगा हो जाएगा, थोड़ा सस्ता चाहिए हमारे को। हाँ देखते हैं, 125 वाला ले लेते हैं, 47,500 का पी ले लेते हैं, 125 रुपए का है इसमें, ऑप्शन चेन 47,500 का पी, चलो यही देख लेते हैं। इसमें मेरी एक पोजीशन बन रखी है, प्लीज इसको कॉपी मत करना। इसमें जो है अगर हमारे पास ये पी कल यहां से शूट अप करता है, बेसिकली इस वाले रेड कैंडल से ऊपर का शूट अप आता है, तब बेसिकली हम इसको कहां तक क्लियर कर सकते हैं ट्रेड, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये मेरी पोजीशन है, मुझे थोड़ा सा ये वाला चीज है, मैं थोड़ा सा बायस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट प्लान में दोनों साइड करके रखता हूँ, मैं कोई बायस लेके नहीं जाता हूँ एज अ ट्रेडर कि यार मार्केट नीचे ही आएगा या ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इससे ऊपर 250 के एरिया से अगर ये ऊपर निकलता है तो हमारा पहला टारगेट जो बनेगा वो लगभग बनेगा 330 के करीब का, 330 के करीब का मान सकते हो, कितने का हो गया, 250 से लेकर 330 तक का, लगभग 80 पॉइंट का यहाँ पे आपको एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, छोटा ट्रेड, ये क्विक स्कैल्पिंग वाला होगा। इसका जो लॉस है, जो स्टॉप लॉस है, वो इससे नीचे कितना, 246 है ना यार, 200 से नीचे मत जाने देना, 200 एक राउंड लेवल है, आपको 40 लगभग 50 का मान लो, 50 का रिस्क है और 80 का यहाँ पे इस समय अभी वो दिख रहा है, अगर आप ऊपर की तरफ ले जाना चाहो पोजीशन। 50 का रिस्क का मतलब हो गया 50 × 15 लगभग 750 का रिस्क, 80 × 15 का मतलब हो गया 15 × 8 = 120, सो आपको हो गया लगभग 1200 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है, कल मार्केट सिनेरियो से और पता चलेगा कि पीई में कितना ज्यादा हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग, हम एक चीज और कर सकते हैं। हाँ कल मार्केट दो हमें केसेस डिस्कस कर लिए कि यार अगर सीधा सीधा खुलता है यहीं पे तो किस तरीके से यहां से रिवर्सल का वेट करना है, गैप डाउन खुल जाता है तो हमारे को फ्लो में थोड़ा सा निकलने की कोशिश करनी है, गैप डाउन नहीं खुलता है, गैप अप खुल जाता है तो फिर सबसे पहले तो ये 47,705 को टेकआउट करना चाहिए, 47,700 का लेवल राउंड लेवल है, इससे ऊपर निकलता है तो वही जो सी वाली जो ट्रेड थी वो प्लान आउट होगी, लेकिन उसमें वो 70 तक गिरेगा नहीं करिए, तो फिर मैं देख लेता हूँ एक बार किस तरीके से वो कर सकते हैं। देखो 47,700 पे यहाँ पे आ गए, हाँ इस पे जो है ना फिर ये गिरेगा नहीं, अगर ये गैप अप खुलता है या ऊपर की तरफ खुलता है ना, फिर ये 70 तक नहीं जाएगा, तो फिर कहाँ पे जाएगा, फिर आपको मोमेंटम ट्रेड कैच करना पड़ेगा। मोमेंटम कैसे करोगे कैच, 252 से अगर ऊपर जाता है तब फिर एक पोजिशन बनेगी, टारगेट आपका रहेगा फिर इसके अंदर, रुक जाओ इसको डिलीट कर देते हैं, 252 के ऊपर पोजीशन बनेगी, टारगेट आपका इसमें रहेगा लगभग लगभग यहां तक का 333 का, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 200 पे, 50 पॉइंट का बेसिकली वही है, 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है इसमें और लगभग 70 से 80 पॉइंट का ऊपर की तरफ है। तो बेसिकली अगर नॉर्मल एक ही जगह पे खुलता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन जाएगा, गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो थोड़ी देर वेट करेंगे, मार्केट को एक स्ट्रक्चर में आने देंगे, उसके हिसाब से हम लेवल्स पे ऊपर और नीचे मार्क करेंगे। कल टेलीग्राम पर मैं ये वाले लेवल शेयर करूंगा, जितने भी हमारे लाइव ट्रेडर्स टेलीग्राम पे जुड़े रखे हैं उनके साथ मैं सारे लेवल शेयर करूंगा, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। तो हम ये लेवल्स को कल डिस्कस करें, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस हम लोग इसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है।
कोई भी क्वेश्चंस हो आप जो है पूछ सकते हो उसमें चैट पे कमेंट्स में, एंड बेसिकली हम आंसर करेंगे। बाकी कल जो है ना लाइव ट्रेड को एक बार कैप्चर करने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, मतलब कॉल्स या फिर ऐसी टाइप से नहीं होगा, हम बस जैसे आज जो डिस्कस कर रहे हैं लेवल्स, इन लेवल्स पर एक नजर बनाए रखेंगे जब बेसिकली कल हमारे पास मार्केट खुलेगा। ठीक है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाना चाहिए, प्लस हमारे उसके जो चैनल है उस पर भी मिल जाएगा आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन हो बाकी आप मुझसे पूछ लो, मैं अभी यहाँ पे हूँ 2 मिनट और, तो उसको बेसिकली लेट के चल सकते। स्ट्रीम का कुछ पंगा चल रहा है, वही है, आज जो है मैं लाइव तभी 8 बजे नहीं ले पाया, बट ठीक है, चलिए फिर। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, सब्सक्राइब ऑटोमेट एल्गोस फॉर मोर सच इनसाइट्स एंड ट्रेडिंग नॉलेज। ठीक है, हम धीरे धीरे ऑप्शंस में बढ़